स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। भाई आज जो हमारे सामने गाड़ी खड़ी है ना भाई, ये लोगो देख के तो आप पहचान गए होंगे भाई कौन सी गाड़ी है, कौन सी कंपनी हमारे सामने खड़ी है। ये क्या बात करता है यार। अरे क्यों नहीं पहचानो भाई, लोगो भी दिख रहा है, नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो स्कोडा की कुशाक गाड़ी आज हमारे सामने खड़ी है, ये इसका टॉप एंड वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। आज डिटेल से बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में कि भाई यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, 2024 में क्या प्राइस रेंज यहाँ पे आपको देखने की मिलती है, और भाई जिसलिए एक ब्रांड जाने भी जाते हैं भाई सेफ्टी के लिए जाने जाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे कस्टमर बेनिफिट्स आपको काफी अच्छे खासे देखने के लिए मिलते हैं। मैं नहीं मानता। तो डिटेल से बात करेंगे उन सब के बारे में, तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप वीडियो में आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहें। और हमें थैंक्स कहना चाहूंगा भाई पाल स्कोडा शोरूम हल्द्वानी को, जिन्होंने मुझे ये वीडियो शूट करने का मौका दिया। अगर इस गाड़ी से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर ये है, ये देखिए। और ये जो शोरूम आपको देखने के लिए मिलता है भाई, ये हल्द्वानी में देवल चौड़ में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं चौड़ाई की। तो यहाँ पे आपको भाई इसकी 1760 mm की चौड़ाई देखने के लिए मिल जाती है। और अगर प्राइस रेंज की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको इस गाड़ी का एक्स शोरूम 16,59,000 रुपए का देखने के लिए मिलता है। ऑन रोड आते ये गाड़ी आपको समथिंग अराउंड 19,15,000 रुपए के आसपास ऑन रोड देखने के लिए मिलती है। फ्रंट में भाई ये गाड़ी काफी अपीलिंग लगती है। रीजन क्या है भाई, इसका जो ग्रिल पोर्शन है वो काफी अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ग्लॉसी ब्लैक का इंसर्ट भी मिल जाते हैं, और आपको यहाँ पे आउटर में पूरी क्रोमिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो गाड़ी के लुक्स को काफी इनहेंस करती है और रोड प्रेजेंस काफी अच्छी खासी बनाती है। स्कोडा का लोगो यहाँ पे आपको इसके बम्पर में देखने के लिए मिल जाता है। लोअर बम्पर सेक्शन में बात करेंगे तो यहाँ पे भाई आपको ग्रिल पोर्शन देखने के लिए मिल जाएगा मैट ब्लैक में, और यहाँ पे आपको स्किड प्लेट का ऑप्शन सिल्वर कलर में देखने के लिए मिलता है। हेडलैम्प असेंबली में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको भाई ये देखिए एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं। हेलोजन में इंडिकेटर है, यहाँ पे वाला पोर्शन आपको डे टाइम रनिंग लाइट का देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे आपको फॉग लैम्प देखने के लिए मिल जाता है ठीक इसी के नीचे, और ये आपको कॉर्नरिंग में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी चीज की प्लेसिंग नहीं मिलती, यहाँ पे आउटर से आपको क्रोमिंग का वर्क देखने के लिए मिल जाता है। डिसेंट सी क्रोमिंग वर्क यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जो गाड़ी के लुक्स को काफी अपीलिंग भी बनाता है। भाई फ्रंट लुक से तो ये गाड़ी की अगर मैं बात करूँ ना, हल्का हल्का लुक आपको BMW वाला दे दिया। अच्छा, बस BMW में क्या है कि यहाँ पे आपके फ्रंट में एक और लाइन आ जाती है, इसमें वो लाइन आती नहीं है। बात तो सही है। वैसे तो टैगन और ये कुशाक दोनों सेम प्लेटफॉर्म में बनती है, बट अगर अपीलिंग की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको कुशाक की अपीलिंग ज्यादा मिलती है, रोड प्रेजेंस ज्यादा अच्छी खासी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। हुड में भी आप देखेंगे तो कर्टन क्रीज यहाँ पे आपको अच्छे खासे देखने के लिए मिल जाते हैं। साइड पोर्शन से अगर बात करेंगे तो भाई गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। भाई अब बात करते हैं पहले टायर्स की यहाँ पे, कि भाई टायर्स क्या साइज मिलते हैं। हम आते हैं इसके लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई आपको ये पेंटेड अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात करेंगे तो 205/55R17 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही देखने के लिए मिलेंगे। फेंडर में आपको क्लैडिंग का वर्क देखने के लिए मिल जाता है फेंडर में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई स्कोडा की बैजिंग भी देखने के लिए मिलती है ग्लॉसी और क्रोम में, जो गाड़ी के लुक्स को कहीं ना कहीं इंक्रीज ही करती है, एक ब्रांडिंग भी यहाँ पे दिखाती है। वॉल्यूम में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको LED टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। विंडो में क्रोम गार्निश का वर्क मिलता है, डोर हैंडल में आपको यहाँ पे क्रोमिंग का वर्क मिल जाता है, हल्का सा इंसर्ट मिलता है जो गाड़ी के लुक्स को काफी इंक्रीज भी करता है, अपीलिंग बनाता है, वरना बड़ा सा क्रोम पूरे डोर हैंडल को ढक देते ना तो थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है वाला फील। को ड्राइवर्स आईडी, आपको स्मार्ट की एंट्री का बटन मिल जाएगा। B+ यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाते हैं। सिल्वर कलर की रूफ रेल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई ये रूफ रेल खाली दिखाने के लिए नहीं, शो के लिए नहीं, इसमें आप 55 kg तक का लोड कैरी कर सकते हैं। अगर ओवरऑल लेंथ की बात करी जाए इस गाड़ी की, तो यहाँ पे आपको ये 4221 mm की ओवरऑल लेंथ देखने के लिए मिलती है, और अगर ओवरऑल हाइट की बात करी जाए तो 1612 mm की ओवरऑल हाइट आती है, और जो हाइट नापी जाएगी भाई वो आपकी यहाँ के रूफ रेल्स तक का नापी जाती है। व्हील बेस इस गाड़ी का अपने सेगमेंट में सबसे लंबा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर व्हील बेस की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे भाई 2651 mm का देखने के लिए मिलेगा, और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे मिलता है भाई 188 mm का। रियर से चलते हैं तो भाई यहाँ पे आपको इस गाड़ी का लुक पीछे से ऐसा देखने के लिए मिलेगा। भाई पीछे से अगर मैं कहीं ना कहीं बात कहूँ तो भाई टैगन का लुक मुझे ज्यादा अपीलिंग लगता है, जो उसमें आपको इन्फिनिटी टेल लैंप देखने के लिए मिलते हैं, बट यहाँ पे इसका भी अच्छा है, सी टाइप टेल लैंप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये पूरा आपको LED में देखने के लिए मिलता है। हेलोजन में आपको रिवर्स लैंप है, हेलोजन में इंडिकेटर यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे अंदर से आपको क्रोमिंग का वर्क भी देखने के लिए मिलता है। कुशाक की बैजिंग यहाँ पे क्रोमिंग में देखने के लिए मिल जाएगी, स्कोडा की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे आपको एक क्रोम स्ट्रिप भी देखने के लिए मिलती है। वाइपर है, डिफॉगर है, वॉशर है, हैमोन स्टॉप लाइट है, स्पॉइलर है, और शार्क फिन एंटीना यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिलता है। और बम्पर में बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको 3 points में पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और स्किड प्लेट यहाँ पे आपको सिल्वर कलर में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए गाड़ी के बूट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट ओपनिंग मिल जाती है। भाई ये देखिए,
ओह पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। टूल किट भाई ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैग में मिलती है, काफी अच्छा खासा लगता है। यहाँ पे आपको देखिए ये फर्स्ट एड किट है, हैंगिंग के लिए भी अटका रखा है। यहाँ पे बूट लैंप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आपको, और यहाँ पे आपको हैंगिंग के लिए ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा भाई 3 kg तक का, जो दोनों साइड आपको देखने के लिए मिलता है। ये रिफ्लेक्टर्स आ गए। बूट स्पेस की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको 385 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, और अगर स्टेपनी की बात करूंगा तो भाई स्टील व्हील रिम में मिलते हैं, और यहाँ पे आपको भाई सब वूफर भी देखने के लिए मिलता है इस गाड़ी में। सब वूफर है तो भाई इस गाड़ी में आपको एम्प भी देखने के लिए मिलता है जो कोर ड्राइवर सीट में, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे से। ड्राइवर साइड आते हैं तो भाई गाड़ी का लुक कुछ सेम ऐसी है जैसा आपने कोर ड्राइवर साइड देखा था। यहाँ पे आपको इसका फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। कैपेसिटी की बात करेंगे तो 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है, और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई आपको पुश टू ओपन देखने के लिए मिलती है। फिर गाड़ी को चलिए खोलते हैं तो ये देखिए भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको डोर पैनल देखने के लिए मिलता है भाई। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, लेदराइट में आपको यहाँ पे 4x4 पावर विंडो के स्विच है। ओआरवीएम इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल है। डोर हैंडल क्रोमिंग में मिल जाएगा, ग्लॉसी का वर्क यहाँ पे मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर स्पेस है, अम्ब्रेला पॉकेट है, मैप पॉकेट है, स्पीकर्स की प्लेसिंग है। ट्विटर्स आपको यहाँ पे इसके गाड़ी के A+ में देखने के लिए मिलते हैं। टोटल आपको 7 स्पीकर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी में। एक सबवूफर है, 6 स्पीकर्स हैं, 2 ट्विटर्स हैं, 4 स्पीकर्स आ जाते हैं मतलब। और इंटीरियर भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे अच्छी चीज क्या है भाई, यहाँ पे आपको ना ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों इलेक्ट्रिक सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। 6-way एडजस्टेबल सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे, और ये रिक्लाइनिंग वाला एंगल यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलता है। लेदर अपहोल्स्ट्री यहाँ पे मिल जाती है, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, कुशनिंग काफी अच्छी खासी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। गाड़ी के अंदर चलते हैं, बैठ के देखते हैं, दरवाजा करते हैं बंद। क्या बात है भाई, ये देखिए लुक गाड़ी के अंदर डिसेंसी तो बरकरार रखती है, जो अपनी तरफ एक्ट्रैक्ट करती है ना वो लगता है भाई मुझे इसका। ये स्टेयरिंग व्हील भाई 2 स्पोक में आपको मिलता है, लेदर ऐप में मिलेगा। क्रोमिंग का वर्क देखिए कितनी बारीकी से कर रखा है यहाँ पे, ग्लॉसी ब्लैक का वर्क है, यहाँ पे भी क्रोमिंग है। ये ज्वेल थीम कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है, काफी स्मूथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको देखिए हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिलते हैं, और क्रूज कंट्रोल का बटन भी देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए ये है ये यहाँ से, और फिर यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो वाइपर के कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स यहाँ से आप कर सकते हैं, यानी ऑन ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं। ऑटो हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, हेडलैम्प लेवलर यहाँ पे आपको आ जाए, और प्लस यहाँ पे आपको देखिए इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है जो साइड में मिलता है भाई, ये काफी अच्छा खासा है। ऑन करते हैं इसे, ये हो गया ऑन। क्या बात है भाई, ये तो ऑन हो गया, लेकिन ये ऑन नहीं हुआ क्योंकि अभी गाड़ी की PDI नहीं हुई है। बाकी आपको डिजिटल क्लस्टर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूंगा तो 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई AC इवेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ग्लॉसी का वर्क है, क्रोमिंग का वर्क भी मिलेगा। ये वाला पैटर्न आपको थोड़ा सा 3D मिल जाता है डैशबोर्ड में। यहाँ पे भी आपको क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है ग्लॉसी ब्लैक के साथ, और ये देखिए स्कोडा की बैजिंग है। और यहाँ पे बात करेंगे ग्लोब बॉक्स, तो भाई ये देखिए कूल ग्लोब बॉक्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, डिसेंट सा स्पेस है। और यहाँ पे आपको हैजर्ड लैंप का बटन है, सेंटर लॉकिंग का बटन यहाँ पे आपको आ जाता है, वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन आ जाता है, एडल्ट स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, और AC जो है भाई आपको टच में देखने के लिए मिलता है। साइड PDI नहीं हुई है तो इस वजह से जल नहीं रहा। बाकी नीचे आपको 2 Type-C के पोर्ट्स मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, 12-volt का अडाप्टर सॉकेट है ये देखिए। और ये वाला पैटर्न पूरा आपको ये ग्लॉसी में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भी आपको क्रोमिंग का वर्क मिल जाएगा। गियर भाई यहाँ पे आपको 6-speed ट्रांसमिशन में देखने के लिए मिलते हैं। की पॉकेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, ये देखिए पूरी पूरी की फिट हो जाती है, 2 cup holder ऑप्शन आ जाएगा। आर्मरेस्ट स्लाइडेबल में लेदराइट में आता है, और स्टोरेज यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मिलती है। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो ऑटो डिमिंग IRM मिल जाता है, रीडिंग लैंप आपको यहाँ पे LED में देखने के लिए मिलता है। भाई यहाँ पे आपको केवल सनग्लास होल्डर ही नहीं मिलता है, बाकी अगर देखेंगे तो सनरूफ भाई ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्विच उसका ये यहाँ पे दिया गया सेंटर में। टिकट होल्डर है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट आपको अच्छा खासा मिलता है, आपको यहाँ पे डेड पेडल भी देखने के लिए मिल जाएगा। ABC तो खैर यहाँ पे आपको मिल ही रहे हैं, बाकी बैठने में काफी कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं इसकी भाई रियर सीट की, वहां देखते हैं वहां क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो भाई जैसे रियर डोर में खोलता हूँ तो देखिए सेम पैटर्न यहाँ पे आपको मिलता है, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। लेदर राइट में सॉफ्ट टच मिल जा रहा है, पावर विंडो का स्विच है, डोर हैंडल क्रोमिंग में मिल रहा है, बॉटल होल्डर स्पेस है, मैप पॉकेट है, स्पीकर्स की प्लेसिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। रियर से इंटीरियर की बात करेंगे तो भाई ये देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है, 3 points में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं, रियर AC वेंट मिल जा रहा है, Type-C के 2 ports यहाँ पे आपको चार्जिंग के मिल जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप पीछे भी देखने के लिए मिलता है, LED में ही मिलता है, अभी जल नहीं रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको ग्रैबिंग हैंडल मिल जाता है और कोट हैंकर भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको कोट हैंकर और ग्रैबिंग हैंडल देखने के लिए मिलता है। स्पेस की बात करूंगा तो भाई ये देखिए लेग रूम स्पेस, नी रूम स्पेस जबरदस्त है। यहाँ पे आपको देखिए मैगजीन पॉकेट भी मिल जाती है, कोर साइड भी आपको मैगजीन पॉकेट देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं कंफर्ट की, वो कैसा है। तो भाई कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए हेडरूम स्पेस अच्छा खासा मिलता है, रिक्लाइनिंग एंगल आपको काफी अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाती है, कुशनिंग भी आपको यहाँ पे सॉफ्ट मिलती है, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मतलब सभी चीज यहाँ पे आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी में। मतलब आप पीछे
बैठेंगे तो आप अपनी राइड क्वालिटी को एंजॉय करेंगे। तो भाई ये तो था कुछ इसके रियर सीट्स का, रियर में कुछ इतना ही है। बात करते हैं इसकी इंजन में की, देख लेते हैं इंजन में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। और हाँ, मैंने आपको इसका ऑफर तो बताया नहीं भाई, ऑफर यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट अप टू 1 लाख का देखने के लिए मिल जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ठीक ठाक हैवीनेस यहाँ पे मिल जा रही है भाई। 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड कराती है आपको ये स्कोडा, चाइल्ड सेफ्टी में भी 5-स्टार रेटिंग है। और ये भाई आपको लैटिन एनकैप में देती है भाई, मतलब जो सबसे सेफ माना जाता है। बाकी इंजन कुछ आपको इस तरीके से मिल जाएगा, 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो इंजन देखने के लिए मिलता है, जिसकी पावर आपको यहाँ पे 114 BHP की है, टॉर्क 178 Nm का है, माइलेज 19.25 KM का कंपनी क्लेम कर रही है। बाकी डिपेंड आपकी ड्राइविंग कंडीशन, आप किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं। ब्रेकिंग्स में ABS EBD ब्रेक असिस्ट है, ट्रैक्शन में ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ESP EDL ब्रेक डिस्क वाइपिंग, मल्टी कोलिजन ब्रेक जैसे फंक्शंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं सेफ्टी के तौर पे। बाकी 6 एयरबैग तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल ही रहे हैं टॉप मॉडल में। अब तो खैर वो स्टैंडर्ड भी कर दिया, यानी बेस मॉडल से आपको अब 6 एयरबैग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी पीछे से आपको इंसुलेशन कवर का, वारंटी की बात करेंगे तो भाई 4 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी आपको दे रही है, जो अपने आप में एक काफी बड़ी बात है। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, अब कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बात करी इस स्कोडा स्टाइल वेरिएंट की जो हमारे सामने खड़ी है। जैसे मैंने आपको बता दिया इसका प्राइस क्या है, आपको इसमें कस्टमर बेनिफिट भी अप टू 1 लाख का देखने के लिए मिल जाता है। बाकी गाड़ी भाई ओवरऑल ठीक है, चलाने में अच्छी है, परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है। ये गाड़ी आपको कैसी लगती है दोस्तों, ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो लोग मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।